हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सुबह के बज के हैं 6। यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सबको। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। और गाइस, आपको मिलाता हूँ मैं शिवू जी से। शिवू जी की सुबह हो चुकी है। शिवू जी देखना चाहोगे आप? ये देखिए गाइस, शिवू जी। शिवू जी बोलो हाय। शिवू ऐसे होना, गुगू 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 ऐसे बोलना, हाय हाय बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोल ऐसे नहीं, गुगू बोलना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या करना? ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि कल आपको शिवांश की मम्मा से मिलाऊंगा, तो ये देख लीजिए शिवांश की मम्मा शिवांश को रोटी खिलाते हुए। ऐसे हाय हेलो। ये शिवांश जी रोटी खा रहे हैं। हेलो, बोलो सभी हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। अच्छा, उसकी वॉइस ही चली गई। ओहो, ये क्या किया पापा ने? पापा ने नहीं किया, ये शिवू ने खुद किया। पापा ने किया। अच्छा करता हूँ मैं, करता हूँ। अच्छा करो करो, जल्दी करो जल्दी। देखिए शादी का स्टाइल। हमारे शिवांश का कार्टून टाइम है इस टाइम, उसको डोंट डिस्टर्ब पापा। अभी वो कार्टून देख रहा है, शूट नहीं करने देगा। वो शूट नहीं करने देगा, मॉर्निंग टाइम रूटीन है उसकी, उसको रोटी खाते खाते कार्टून देखना ही देखना है। जो मर्जी हो जाए। बाय शिव, बाय कर दो, बोलो बाय। गाइस अभी आ गई है हमारी चाय, और अब हम पी रहे हैं चाय, गरम गरम चाय। सुबह मन बड़ा करता है चाय पीने का, बरसात में भी मन करता है, गर्मी भी बहुत है, चाय भी पीनी जरूरी है। मीठा तेज, चीनी ज्यादा खानी नहीं चाहिए, मगर डल गई इसमें, डल गई इसमें। मम्मी बोल रही है चीनी नहीं ज्यादा खानी चाहिए, चीनी आजकल हमारे घर में चाय ज्यादा मम्मी ही पीती है। तभी मोटी होना, हाँ चीनी से मोटे होते हैं ना, तभी मोटी हो गई। चीनी से मोटे होते हैं, हाँ कौन खावा इससे, तभी तो लोग फीकी चाय पीते हैं, इतना छोड़ नहीं सकते। हाँ चीनी से मोटे होते हैं। पांच छह ही खिला के, हाँ चीनी का नहीं मोटापा होता है, मोटापा होता है, हाँ मोटा होता इंसान। मैं बड़े जने आखते ना खंड छोड़ो तो चीनी छोड़ो, अच्छा मगर मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं छोड़ो, मजा ही नहीं आता चीनी के बिना, दही चीनी के बिना चाय क्या करो। अच्छा और बस गोरू को फोन करो, हाँ तो गोरू ने जाना है मंदिर, देख 10:30 हो गए, ये कोई टाइम ही नहीं है मंदिर जाने का, लोग मंदिर जाते हैं 6 बजे, तो ये जाते हैं 10:30 ये बज जाएंगे, इसको 11:30 मंदिर जाते नहीं, 11:30 बजे तक चले जाएंगे, 11 बजे तक जा नहीं सकते अभी, उसने उठना है नहाना है, तो बस नहा के पूजा पाठ करेगा, फिर मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा वो, पहले मंदिर जाएगा, पहले मंदिर जाएंगे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उधर से होके आएगा, फिर करेगा पूजा पाठ। अच्छा रात को लेट सोता है नहीं, अच्छा रात को जल्दी सो जाओ तो नींद खुल जाती है। मेरे को गर्मी देखने कितनी, जम्मू में गर्मी बड़ी है गाइस, बहुत गर्मी है इधर, गुम जैसा नहीं, इधर गर्मी है बंदा काट ही नहीं सकता, ये गर्मी थोड़ी है बरसात वाली गर्मी, गंदी गर्मी, तो गर्मी भी गंदी है इधर, हाँ बस फिर गर्मी तो है, इसलिए तो बरसात वाला गुम जाना है अंदर, हाँ इसलिए तो बरसात वाला, एसी च बहुत तो बीमारियां, जेडे पूरे दिन लाइए रखदे उन्हें पता होंदिया दर्दां शर्दां। इस बार कहां जाना है?
अब हम जा रहे हैं दो तीन दिन बाद दादी के घर, बसोली जा रहे हैं। बसोली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम, बसोली जा रहे हैं। कितनी देर बाद जा रहे हैं हम? हो गए दो साल, दो साल बाद दादी के घर जाएंगे हम। दो साल हो गए, मेरी शादी मेरे ब्याह को दो साल हो गए, दो साल बाद मेरी शादी, इसकी शादी को दो साल होने हैं, सौरभ की शादी को अक्टूबर में होने हैं, इसका कार्ड देने गए थे उसके बाद गए। तेरी शादी के बाद तो गई थी एक बार, नहीं आपसे नहीं कह रहे हैं, नहीं आप तो पहली बार जा रहे हो, हम पहली बार जा रहे हैं। मैं शिव इंदू, जुलाई में खत्म होना आपका। मैं तो बड़ी बारी गया हूँ शादी के बाद, इंदू और शिव फर्स्ट टाइम जाएंगे, देवताओं के जाना है, दो तीन दिन बाद मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। आपको मैं व्यू दिखाऊंगा बसोली के, नाम आप सबने सुना ही होगा, उधर एक और लोकेशन, और लोकेशन दिखाऊंगा आपको, बहुत ही तगड़ी जगह है। पहले पहले हम जाते थे कोई साल साल बाद चले जाते हैं, पहले साल, अब हमें उधर ही काटते थे, हम छुट्टियां उधर ही काटते थे, जाते थे बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन अब शादी हो गई उसके बाद बेबी हो गया, बच्चे हैं ना बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, फिर इतना सफर टाइम नहीं मिलता है, इतना लाइफ बिजी हो जाती है। अब जाना है हमने दो तीन दिन में, नहीं साथ में बच्चे प्लान किया होगा जाने के लिए, सफर नहीं कर सकते यार। साथ में 5 घंटे का सफर है अपनी गाड़ी में, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं अपनी गाड़ी में, तो 5 से ज्यादा ही लगते, 5 लगी 5 से ज्यादा अपनी गड्डी 5 घंटे लग जाते हैं मेरे हिसाब का ना, शॉर्ट कट आले रस्ते विच जाना होवे उत्थे 5 घंटे बड़ा टाइम लगदा, लखनपुर विच जाना होवे फिर बड़ा टाइम। देखना चार वाली बस में जाती है, तेरे बूजी गए थे नी तो 11:30 बजे पहुंचे थे, वो भी कहाँ हरिपुर, तो उसके आगे है हमारा घर, कहाँ बसोली के नगरोटे के आगे बीच प्लासी, थाना प्लासी, थाना प्लासी आपने नाम सुना ही होगा, वहाँ पे है। और मम्मी अपनी सास से मिलेंगी जाके, बहुत मैं वो हूँ उतावली हो गई, बहुत ही एक्साइटेड है मम्मी, याद आ रही है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इंदू दादी का घर देखना उसने, और शिवू की गाय, गांव होता ही अच्छा है, गांव की लाइफ कुछ और है, सिटी की लाइफ कुछ और है, उधर हरा 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 सब कुछ मिले, हर चीज उधर, और उधर बड़ा ही एक नेचर ही वैसा है उधर का, इधर के लोग और उधर के लोग कुछ अलग है, सही गल है नी मम्मी, उधर के लोग ना कोई आए तो कितना वो करते हैं, इधर के लोग, इधर कोई आए तो लोग नाक चढ़ा देते हैं पहले ही कि ये आ गया हमारे घर, ये 2 फुट के अपने नहीं बन रहे, इसके कहाँ बनाए, इसके कहाँ बनाए, ये सिटी का हाल है, कहीं कहीं लोग सिटी में भी बहुत अच्छे हैं जो बड़ी, नहीं हमारे कोई आए तो हम नहीं देखते गर्मी सर्दी, नहीं वो तो बड़े बड़े ने लोग ने जेडे खुंदक नहीं खेते, लेकिन ज्यादातर में लोग दिखे थे जेडे खुंदक खाएड़ते हैं, उसे दे घर भी जाओ पहले उन्हें खुंदे चढ़ी जाती कि आइए सारे घर, चाहे 10 मिनट आएंगे जाके उन्हें, फिर भी ये हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनकी गाड़ियां देखो ऊपर कपड़े रख, जब वो उठेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, वो दोनों छोटे बच्चे दोनों की वो करेंगे, अभी दोनों सोए हुए हैं आराम से, दोनों की मजा ले रहे हैं, वो उठ भी जल्दी जाते है ना, शिवू उठता है 5 बजे, वो 5 बजे उठ जाता है, फिर वो सोता है कोई 8:30-9 बजे तक सोता है, दादी भी उसकी 5 बजे उठती है, दादी भी उठ जाती है सत्ते सवेले, इनका काम ही यही है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो फिर देखना पड़ता है ना सब कुछ। और मम्मी, मम्मी गई थी नानी के घर रियासी में, मौसम रियासी का मौसम वाओ, मतलब मैं तो रह आया हूँ 3-4 दिन लगा के आया हूँ मैं वहाँ पे, अब मम्मी गई थी रहने एक दिन के लिए गई थी मम्मी, पानी ठंडा, पानी भी ठंडा, जम्मू का पानी इतना गर्म है यार, बहुत बुरी हालत है जम्मू के पानी की, बहुत बुरी हालत है, बहुत ही दिक्कत है जम्मू के पानी की, बस इधर बंदा मोटर लगा के टैंकी के पानी से नहा सकता है, वो भी अंडरग्राउंड जो टैंकी है, छत वाली टैंकी से बंदा नहा नहीं सकता, नहीं अब लगता है मुझे थोड़ा हो गया, बारिश बुरश होती है थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, नहीं पखा लाओ तो ठंडा बरसात है ना, मगर ये देखना जब बरसात की जो धूप होती है ना
वो गर्मी से भी बदतर, वो ज्यादा होती है धूप इतनी तेज होती है। इस बारी ठंड जल्दी हो जानी है ओ सर्दी, बरसात लेट हो तो सर्दियां भी लेट होती है, तो बरसात जल्दी आ गई तो सर्दी भी जल्दी आएगी। बरसात कितने महीने रोंदी, दो महीने? इस बार तो जल्दी आ गई, इसको महीना पीछे ही आ गई ना, पीछे पिछली बारी अगस्त में आई थी, अगस्त में लास्ट जुलाई में आती थी ऐसे, तो अगस्त सितंबर तक मौसम अच्छा होता है। इस बार मुझे लगता है अगस्त लास्ट में ठंड हो जाएगी, सर्दी थोड़ी जाएगी, सितंबर में ठंड हो जाएगी। हाँ सितंबर में तो होगी। चाय पी ली दूसरी बार मैंने सुबह से। अच्छा दूसरी बार चाय पी ली मम्मी ने, गैस का कैप्सूल और मैंने भी दूसरी बार पी ली, लेकिन मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं है, गैस की प्रॉब्लम सिर्फ मम्मी को है। तो मैं कैप्सूल खाती हूँ सुबह, कैप्सूल खा के भी चाय पीनी है। हाँ। तो कैप्सूल ने असर करना है आप मेरे को खुद बताओ गाइस, मुझे बताना कमेंट करके। थायराइड की टेबलेट भी खाती हूँ मगर चाय नहीं छोड़ सकती, सारे बोलते हैं चाय छूटती नहीं है। जो चाय पीते हैं ना, चाय लवर्स को पता है कि चाय क्या चीज है उनके लिए। बहुत से हमारी यूट्यूब फैमिली में बड़े ऐसे होंगे जो चाय बहुत ही ज्यादा, मैं खुद बड़ा ज्यादा एडिक्ट हूँ चाय का, मुझे बहुत मजा आता है चाय पीने का, दूध पीने का नहीं इतना मजा आता, चाय पीने का मजा आता है। बस चाय मिल जाए, दूध मिले नहीं मिले चाय मिलनी चाहिए अपने को। बस चाय पूरा दिन भी पीता रहूं ना, चाय रोटी नहीं खाऊं दिन निकल जाएगा मेरा, चाय से एनर्जी आती है एनर्जी। और सुना क्या क्या बात, सच में तू रियासी गया था, क्या किया उधर दो दिन रह के? कुछ नहीं किया, गया बैठा वो कहीं गया था सुल्ले वगैरह उधर रंजी शंजी ना, मैं नहीं गया कहीं भी उधर। देखा 5 साल का लड़का, पता क्या किया उसने, 5 साल का लड़का, उसकी मम्मा सिर धो रही थी, वो गर्मी के कारण गए थे नहाने सुल्ले में, तो अंजी वाली साइड गए होंगे, वो सिर धोती रही तो लड़का कहीं बजरी में चला गया, वो बजरी के बीच में ही चला गया, बजरी जो पानी में होती है ना बजरी जैसा रेत, उसके अंदर चला गया, वो अंदर होता गया ना उधर ही पानी में, उधर ही खत्म हो गया, दलदल ही। हाँ हाँ वो बीच में ही डूब गया, 5 साल का लड़का। गाइस आप देखो माँ बाप जाते हैं पहले, आप इन जगहों पे जाओगे ना तो प्लीज अपने बच्चों को सेफ करके लेना, पहले जगह देख लो, नजर रखो अपना आप, बाद में अपना एंजॉय करो, लेकिन पहले बच्चों को देखो, अपना देखना, बच्चे सेफ कर लो, खुद भी सेफ हो जाओ, दूर से फोटो शोटो वगैरह जो लेना है दूर से लो, जरूरी नहीं है इतनी क्लोज जाके फोटो खींचनी, बच्चे भी कहीं और चले जाते हैं, किसी कोई किसी जगह का पता नहीं होता कि उस जगह में होगा क्या, नहाता रहा माँ सिर धोती रही तो बच्चा उधर ही, वो देख लो बच्चा हो गया वहाँ पे, अब वो क्या करेंगे, आए भी इतने दूर से होंगे एंजॉय करने, तो अब खाली हाथ गए ना घर पे, इसलिए सेफ होके करो जो भी करना, लाइफ मिली है एंजॉय भी करो हर एक चीज करो, लेकिन सेफ हो गए, लोग जे नहीं देखते, लोगों को दिखाने के लिए मत करो यार, बस दिखाने लोगों को मत दिखाओ, एक दूसरे की रीस करते हैं, जे नहीं देखते हमने अपना आप देखें, हमने कैसे रहना है, अपना आप देखना बहुत जरूरी है, अपना आप लोगों को देख के नहीं चलो, हाँ अपने घर को देख के चलो, अपना घर देखो फिर करो जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं होती किसी को भी, लेकिन सेफ होके करो जो करना है, इससे सबको प्रॉब्लम होती है। कल को आप उधर देखना, उधर ज्योतिपुरम में रोड खराब हुआ है, हाँ। तो रोड खराब की वजह से वो लड़का गिर गया, 12th में पढ़ता था, हाँ, वो सलाल, सलाल वाली, हाँ, सलाल वाली साइड, वो भी न्यूज आपने गाइस सुनी होगी, जो सलाल में लड़का गिरा बाइक, दो नौजवान ऊपर पहाड़ी से गिरा नीचे तक, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, इतनी दूर से बाइक से गिरा, रोड की वजह से, अब उन्होंने रोड खराब होने की वजह से टायर स्लिप हुआ और वो नीचे जाके गिर गया, फॉल्ट किसका है, हमारी गवर्नमेंट का, जो ये काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे कुछ ना कुछ बना देना चाहिए सेफ्टी के लिए, नहीं साल में पता है लोग आते हैं इधर, हाँ टूर एंड ट्रेवलर ही ऐसी, तो वैसी जगह ना कि हर कोई बाहर से भी जो आएगा ना
माता वैष्णो के जो दरबार जाएगा ना वो रियासी जरूर जाएगा। शिव खोड़ी, चिनकाए, ये रियासी में बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे बंदा घूम सकता है आराम से। रोड ही ऐसे गंदे बनाए, रोड गंदे हैं, बाइक लेके तो बड़ा रिस्क है ना वैसे रोड पे जाना। अगर जा रहे हो बाइक लेके सेफ होके चलो, जरूरी नहीं है स्पीड 100 की कर दी है चल रहे हैं खाली रोड है, नहीं अपने 40-40 तक स्पीड रखो, बल्ले बल्ले चलो। आप कितना रखते हो? हम तो चलो आप पहले रखते हो बाइक की स्पीड? हम रखते हैं 20-30 की, हम ज्यादा तेज चलाते नहीं, सेफ होके चलाता हूँ ना, जब भी चलाता हूँ हेलमेट लगाई होती है, हेलमेट लगा के चला। तो खास कर ना रोड का भी हिसाब होता है ना, रोड गंदा है तो आराम से। हाँ रोड गंदा है तो क्या स्पीड से बिल्कुल आस्ता आस्ता चलो, क्योंकि फैमिली वाले भी तुम्हारा वेट कर रहते हैं, हर एक घर में जितने भी होते हैं सबको टेंशन होती है गया हुआ आया नहीं। आजकल तो आजकल वैसे भी बहुत बहुत ज्यादा डर रहा है, आजकल बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारे खुद बहुत बुरा हो गया है, अभी लाइफ ही कुछ चेंज हो गई है। ऐसी लाइफ थोड़ी रहती है, सबसे अच्छी लाइफ है बचपन। बचपन आज मैं शिवू को देखता हूँ मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं दोबारा उतरा सा हो जाऊँ, पूरी जिंदगी बचपन अच्छा है बस। कोई टेंशन नहीं, सिर्फ अपनी चलानी है, कोई नहीं पता, कोई कमाने का नहीं पता, कोई काम का नहीं पता, वो लाइफ अच्छी है बस। उसके बाद तो टेंशन ही टेंशन है, चाहे पढ़ाई की करो, चाहे काम की करो, चाहे कमाई की करो, फिर टेंशन। जेडी जिंदगी है ना मम्मी, ये अगर ऊपर वाले ने दीती थी ना उन्हें सोची समझिए दीती थी, टेंशन भी दिंदा, खुशी भी दिंदा, दुख भी दिंदा, दर्द भी दिंदा, सुख भी है, हर एक चीज। ये लाइफ ऐसी है ना बंदा हर एक चीज सीख लेता है इस लाइफ में, जितना सीखोगे उतना काम है। पता नहीं कब मिले, दुख तो साथ साथ ही चलते हैं। तभी कहते हैं ना रब ने दुख देना ही देना है, कर्म जो है अपने, कर्म जो हम गलती कर लेते हैं ना उसकी हमें सजा मिलती मिलती है, चाहे 10 साल बाद मिलेगी चाहे 10 साल पहले ही मिल जाएगी, ये चीज होनी ही होनी है। पिछला क्या पता क्या करके आए, हाँ, किया क्या पता आगे हम कितने गलतियां कर रहे हैं, कितनी है, पता भी है अभी भी हम चलते चलते कितनी कीड़ियां हमारे पाँव के नीचे आ जाती हैं, कितनी चीजें हमारे पाँव के नीचे आ जाती हैं, वो भी तो पाप है। लेकिन ये हर बंदे से हो रहा है, चाहे जितना मर्जी बचा के चलोगे ना हर बंदा ये कर रहा है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बिल्कुल देख के पाँव रखेगा या बाइक या गाड़ी देख के चलाएगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा। हर एक बंदे से कुछ ना कुछ गलती डेली हो ही रही है, और मैं कहता हूँ डेली कोई ना कोई एक अच्छा काम करो, एक कोई काम अच्छा कर लो बस, सही गल है या नहीं, एक काम अच्छा करना चाहिए लाइफ में। अब मुझे एक ही है कि मेरी बेटी है तन्नो, उसके घर अच्छा भगवान दे दे, वो सुखी हो जाए, उसके घर भी बेबी होने वाला है, चलो तन्नू का बहुत है, उसकी बड़ी टेंशन है, उसके घर भी चलो अच्छे से अच्छा करे सब कुछ, सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा, कभी मिलाऊंगा, गया मैं उसके पास तो अच्छी है, बहुत बोली है, उसको भी अपने व्लॉग में ऐड करेंगे, आप मिलके खुश हो जाएंगे उसकी बात से। घर वाला बहुत अच्छा है, सन्नी और फैमिली अच्छी है, उनकी बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, बेटी मेरी बहुत अच्छी है, समझदार है, है बोली है, तो पता नहीं चलता कि बात कौन सी करनी है कौन, चलाक नहीं है, चलाक नहीं है वो, उसका गांव बहुत अच्छा है, वो भी रियासी गांव में जाएंगे, केड़ी साइड वो डब्बे पोनी के आगे रियासी से सुंदरमनी से, हाँ सुंदरमनी वाला पहले पोनी से आगे गांव है, बहुत अच्छा गांव। मैं कभी नहीं गया, जब से उसकी शादी हुई है ना मैं कभी नहीं गया, मैं तो उसकी शादी में भी नहीं गया हूँ, मुझे पता ही नहीं उसका घर भी कहाँ है, मैं जाऊंगा उसके घर लेकिन जरूर जाऊंगा। अगर तू जाता तो हम नहीं जाते, घर भी कोई चाहिए था ना, घर भी कोई चाहिए था, घर बिल्कुल खाली, फिर घर वाले ही गए, मम्मी पापा गए तो ये शादी अटेंड करके आ गए। अब उसकी शादी को भी हो गए 2 साल या नहीं, दो तीन साल नहीं 2 साल उसको हो गया, तीसरा चल रहा है। अच्छा तीसरा, तीसरा ठीक है गाइस, बाय 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 बाय, सब्सक्राइब करना हमें, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो हमारी, आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो हमें लाइक करना, शेयर कर दो, कमेंट कर दो दबा के, और ऐसे ही आपको नए नए व्लॉग्स में डेली देता रहूंगा,
बाहर के भी देता रहूंगा, बाहर भी जाऊंगा, हर जैसा होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखो, इंजॉय करो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ मेरे को भी बताओ क्या सही है क्या गलत कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए बस। ओके बाय। ये शिवू जी उठ गए हैं गाइस। माँ को छोड़ता ही नहीं। ये देखो चिपका हुआ। ये देखो गाइस, शिवू जी बिल्कुल सोया हुआ है। ये देखो आईज खोली हुई है। लड्डू नीनी खुल गई। ये देख स्माइल, गुगी स्माइल। वाओ, हाय कर दे, हाय कर दे गुगू, हाय फ्लाइंग किस। देखा शिवू, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। अभी इसकी नींद खुली है। बहुत अच्छा काका है ये हमारा, सारी बात मानता है। लड्डू लड्डू सो के आए, अभी सोई की हमने। अच्छा अभी सोई की, नींदनी पूरी की। अच्छा है जो ना, अब रोटी खानी है। रोटी खानी है गुक्कू, रोटी खानी है। इधर देखना, रोटी खानी है। बात ही नहीं कर रहे हो आप आज। देखना देखना, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय गुक्कू। लड्डू कहाँ है बाबा, बताना मेरे को कहाँ गुगु, कहाँ पे बाबा, पापा कहाँ। ये देखो, ये देखो क्या कर रही है, ये देखो, ये देखो। बाय मेरा काका, बड़ा खुश होता है ये। ये क्या पकड़ा है आपने, क्या पकड़ा है लाडू, देखना लाडू। ओ भाई साहब, शिवू जी, ये क्या पकड़ी है, बाइक की चाबी है, बाइक की चाबी पकड़ी है आपने। हाँ दुद्दू आया, दुद्दू आया, दुद्दू। देखो शिवू को, शिवू को पता है दादी दुद्दू लेने गई है ना, दुद्दू वाला आया बाहर। हाँ दुद्दू, ओहो शिव का शीर टेकना। ये देखो गाइस, ये कैसे पूछ रही है, बताओ। परोंठी किसको, ओहो चाबी को भी जाया करती है क्या, क्यों तुम ये क्या कर रही हो आप। पापा को लाडू कर दे, ऐसे करते हैं पापा के फेस पे किसी कर। जी कौन है, ये कौन है, कौन है शिवू जी, चाचू, चाचू का है शिवू के, चाचू का है, चाचू का है शिवू के, मम्मा, ये मामू की है, मामू का है शिवू के। ओ मामू आए। मामू मामू शिवू के मामू, लाडू के मामू, नानू का नानू, दूर नानू दूर है, नानी नानी वो भी दूर, अंजू मासी। हाँ जी क्या क्या हुआ, कहाँ है डुड्डू, कहाँ है डुड्डू, आ रहा है, आ रहा है डुड्डू, आ रहा है, आ रहा है गुगू का डुड्डू, गुगू मेरा। ये देखो
ये देखो ये बहुत ऐसे क्यों कर दिया मेरे गुग्गी ये नो छोड़ो पापा को छोड़ो खुद टोरी करो ये देखो गाइस शिवु कैसे टोरी कर रहा आजा गुग्गू पापा पास आना पापा पास आजा इधर देखना तो गाइस इसके साथ में बहुत ही मजा करता हूँ ये बहुत मजा करता है मेरे साथ इसके साथ पूरा दिन में आराम से मैं इसको पूरा दिन रख सकता हूँ मस्त